Assalamualaikum YouTube friends, welcome to my channel. आज हम बनाएंगे चिकन कॉर्न्स। अच्छा, इस रेसिपी के लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं उसमें लिए मैंने एक कप बोनलेस चिकन है, इसके बारीक क्यूब्स कर लिए हैं। प्याज लिए एक बड़े साइज़ की, इसको भी चॉप कर लिया है। एक बड़ा टमाटर है और कैप्सिकम ली है, इसको भी हमने चॉप कर लिया है। गार्लिक लहसुन साबुत लहसुन लिए हैं, इसको भी हम चॉप कर लेंगे। मसालों में है नमक टू टेस्ट है और हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और काले मिर्च का पाउडर, वो भी हाफ टी स्पून है। बहुत ही मज़ेदार सी और बहुत ही यमी सी ये रेसिपी है, बच्चों की फेवरेट। चलिए सबसे पहले हम कॉर्न की स्टफिंग बना लेते हैं। अच्छा देखिए, हमने पैन ले लिया है, इसमें हम ये चॉप गार्लिक डाल देंगे, इसको हल्का सा ज़रा फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई हो गया है, अब हम इसके अंदर ये चिकन डाल देंगे। अच्छा देखिए, चिकन का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे। प्याज हमने इसके अंदर डाल दी है। अच्छा, अब इसके अंदर हम ये सारे मसाले डाल देंगे। अब इसको तकरीबन हम 5 से 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि प्याज और चिकन थोड़ा गल जाए। अच्छा देखें, तकरीबन 5 मिनट हो गए, थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई है प्याज और चिकन। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे, इसको भी हम कवर कर देंगे ताकि ये भी अच्छी तरह से गल जाए। अच्छा देखें, ये तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, ये होममेड है, मैंने इसकी रेसिपी आपको बताई दी है। ये तकरीबन मैंने हाफ कप के करीब डाला, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा देखिए, तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, टोमेटोज भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च डालेंगे, शिमला मिर्च भी हम डाल कर और इसको अच्छी तरह से हम पूरा इसका जो सॉस है वो बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, वरना फिर हमारी कॉर्न जो है वो सॉगी हो जाएंगी। अच्छा देखिए, हम इसको भी कवर कर देंगे। जब तक हमारी ये जो स्टफिंग है वो तैयार हो, अच्छी तरह से पक जाए, तब तक हम जो है वो शीट्स बना लेते हैं कॉर्न बनाने के लिए। अच्छा देखिए, शीट्स बनाने के लिए ये 2 कप मैदा मैं ले रही हूँ और 1 टीस्पून मैं नमक लूँगी, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और सिंपली बस इसको भून लेंगे, आटे की तरह इसका डो बना लेंगे। देखिए, आटा हमने गूंद लिया है, बस हल्का सा इस पर तेल लगा के इसको थोड़ी देर हम छोड़ देंगे। अच्छा देखिए, ये स्टफिंग फजीदा स्टफिंग जो है वो हमारी हो चुकी है, अच्छी तरह से ड्राई हो चुकी है। बस हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो देखिए, ये आटा जो हमने गूंद लिया था, अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखिए, ये पेड़े हमने बना लिए हैं। तकरीबन 2 कप मैदा में 9 पेड़े बने हैं, हम इसको बेल लेंगे। एक पेड़ा हमने इस तरह बेल लिया है सबसे पहले वाला, और इस पे हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, तकरीबन 1 ड्रॉप, थोड़ा ज़्यादा हो गया है। ये दूसरा पेड़ा हमने बीच वाला थोड़ा बड़ा रखेंगे ताकि हमें जो ऊपर नीचे की रोटियां हैं उनको अलग करने में आसानी हो। इसके ऊपर थोड़ी सी हम खुशबू लगा देंगे, और ये तेल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था, ये हम इसके ऊपर लगा देंगे, इसको
पेड़ा रख देंगे और एक पेड़ा हम बेल लेंगे। इसके ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा के इसको फैला लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। अब हम इस तीनों रोटियों को बेल लेंगे। अब ये देखिए ये नॉन स्टिक तवे पे हम डाल देंगे इसको और सेक लेंगे। देखिए एक तरफ से सिक गई है, अब इसको हम पलट देंगे और ये देखें कितनी आराम से ये निकल रही है पट्टी। हमारी रोल शीट्स या कोन शीट्स बिल्कुल रेडी हैं हो रही हैं। इसको हम अलग कर देंगे। तो देखिए ये अंदर की फिलिंग भी हमारी कोन की ठंडी हो गई है। ये हमने लई बना ली है और ये हमारी रोटियां भी ठंडी हो चुकी हैं। अच्छा, जो छोटी रोटियां हैं उसको आपने क्या करना है, बिल्कुल हाफ से आप कट लगा देंगे, ठीक है। या आपने इधर सेंटर पॉइंट पे आपने इधर ये लगा देना है ताकि ये चिपक जाए और इसको बस आपने इजीली इसको यूं करके घुमाते रहना है। ये देखें ये आपकी बन गई है, कोन बन गई है। अब आप इसके अंदर फिलिंग करेंगे। जितनी गुंजाइश होगी, जगह होगी, उतनी आप के अंदर फिलिंग कर देंगे। फिर ये देखें ये बिल्कुल आपने इस पे लगा देनी है अच्छी तरह से और इसको दबा के प्रेस कर देना है इसको। और ये देखिए हमने ऊपर से इसको अच्छी तरह से बंद कर लिया है। आप चाहें तो उसको ज़रा सा डिप भी कर लीजिएगा और इसको हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और फिर ये आराम से हम इसको फ्राई कर सकें। और इसी तरह हम सारी कोन बना लेंगे। जो बड़ी रोटियां हैं उसको हाफ करके बनाएंगे। अच्छा देखें हमारी तमाम कोन जो हैं वो बन चुकी हैं। हमने इसको असेंबल कर लिया है और देखें मैंने इस पे ये पेस्ट लगा के और इसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रीज़र में रख दिया था तो ये अच्छी तरह से बाइंड हो चुकी हैं, पूरी पैक हो गई हैं। अब हम ईज़िली इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें सारी इस पे आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके और उसके ऊपर जो लई बनाई थी हमने आटे की, आटे का जो पेस्ट बनाया था उसके ऊपर लगा लीजिएगा और उसको फिर थोड़ी देर के लिए हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि फ्रीज़ हो जाए तो इजीली फिर हमारी फ्राइंग हो जाएगी। अच्छा देखें ऑयल हमने गर्म होने के लिए रख दिया था। अच्छा ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने नहीं डालना है, बस अब ज़रा सा जब ये हल्का सा गर्म हो जाए तब इसके अंदर हम ये कोन्स डाल देंगे क्योंकि ये हमारी फ्रीज़र से निकली हुई हैं। तो फिर ये अगर हम तेज़ ऑयल गर्म ऑयल में डालेंगे तो फिर ये जल जाएंगी। अच्छा देखें ये हमारी फ्राइंग शुरू हो गई है, अभी आहिस्ता आहिस्ता खुद ही फ्राई हो रही है। ईज़िली देखें फ्राई हो रही है ये। तो देखिए ये अब हमारी फ्राई हो गई है, इसी तरह हम अपनी सारी कोन जो है वो फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए जनाब हमारी मज़ेदार सी चिकन फजीता कोन बिल्कुल तैयार है। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।